जय साधु, सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ GS GK की जो एक मॉडल वर्क सीरीज की एक सीरीज है उसमें एक एक करके हम क्रमवार उसमें सभी तथ्य प्रश्नों को पढ़ेंगे, जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे बार बार सवाल आते हैं। आप सभी लोग इस प्रश्न के अंत तक बने रहे कॉपी कलम के साथ, क्योंकि सीरीज जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए सभी साथी मित्र इन सभी प्रश्नों के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जो जरूरत पड़े वैसे क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो PDF है वो इस सेशन में आपको जरूर मिल जाएगी। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई भी दे रही होगी। जी हाँ, यहाँ पर है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार थे वे बने थे स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के, इंद्रगोप मणि के। ये इतिहास के सवाल हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन में बने हैं, इस सेशन को पढ़ रहे हैं, वे सभी इस प्रश्न के आसानी से जवाब दे लेंगे। तो सभी मित्र, सभी साथी इस प्रश्न के जवाब देते रहें और सेशन में आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर अगर बात किया जाए, भारत में अगर जो पूर्व प्रस्तर की बात की जाए तो स्फटिक के थे, मतलब जितने मित्रों ने इस सवाल का उत्तर ए बताए हैं सबके जवाब पूरी तरह से सही, मतलब ए वालों के जवाब यहाँ पे सही और राइट है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ कि सोहन घाटी का संबंध किससे है। जी हाँ, हड़प्पा कालीन सभ्यताओं से, नवपाषाण कालीन स्थलों से, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्लास की जो पूरी PDF है वो आपको टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। सभी साथी क्लास में टाइम से बने रहेंगे और क्लास के अंत तक तब तक रहेंगे जब तक कि सारी प्रश्न की सीरीज आपकी समाप्त न हो जाए, इन सारी प्रश्नों की सीरीज को पूरा पढ़ ना ले, क्योंकि सीरीज काफी हद तक अहम और काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सभी के लिए, मतलब जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को इस सेशन में बने हैं, सभी लोग के जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के सही भी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत भी दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर को आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा सा ध्यान लगा कर देंगे तो शायद आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब भी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कुछ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं और ज़्यादातर लोग उत्तर यहाँ पे गलत आ रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर ये तो मैंने पहली बार ही पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपने पहली बार पढ़ा हो, लेकिन हो सकता है आपने इसे कुछ लोगों ने दूसरी बार पढ़ा हो, लेकिन इस पढ़ने के बाद जब भी कभी परीक्षा के अंदर जाएगा यहाँ से सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम इस सेशन को आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि निम्न पुरापाषाण कालीन स्थलों से, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, मैंने भी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है, भारतीय लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सभी साथी जितने भी लोग हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्नों के आने वाले सभी को जवाब देते रहेंगे। भारतीय लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यह सत्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का लोकतंत्र है। संसदीय संप्रभुता की मान्यता है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह तो आपका सही है। निरंकुश न्यायपालिका यह गलत है, मतलब चार गलत है। तो जहां जहां पे चार गलत है वो विकल्प आपका क्या है, सही हो सकता है, क्योंकि चार गलत है और यहां पे तीन सही है। अगर तीन की सही की बात की जाए तो सभी में कहीं भी असत्य नहीं लिखा गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों लोकतंत्र देखने को मिलते हैं, मतलब ये भी सही है। संसद की प्रभुसत्ता की जो मान्यता है अगर हम बात करें तो यहां पर यह भी अगर बात करें तो यह गलत है। यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसमें दो असत्य हैं, दो और चार, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह यहां पर केवल ए होगा। अगर आप सभी मित्रों ने इस प्रश्न का केवल ए जवाब दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही हैं। अब इस वीडियो को फटाफट अपने सभी साथियों को, मित्रों को शेयर जरूर कर दें। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। कह रहा है नई अखिल भारतीय, ध्यान से देखिएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार भारतीय संविधान में किसको दिया गया है। अगर नई अखिल भारतीय, अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें कि अखिल भारतीय सेवाएं कहां पर है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, अनुच्छेद 312 में इसका जिक्र है और इन लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको एकदम साफ साफ प्रत्यक्ष नजर आता है। और कई बार पूछा जाता है कि लोकतंत्र में, संसद में अगर देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा को दोनों को शक्तियों बराबर है, लेकिन किसी मामले में लोकसभा आगे है, कई मामले में राज्यसभा। तो लोकसभा की जो कोई शक्ति है उनमें नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है वो भारतीय संसद में राज्यसभा को दिया है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा। अगर आप सभी मित्रों ने, आप सभी साथियों ने अगर इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है।
कि आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया जहां भी देखना चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, या इन लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, जहां भी देख रहे हैं वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला है आपके सामने, कुछ सुमेलित करना है, मिलान करना है। मैं चाहूंगा जितने भी साथी मित्र इसको देख रहे हैं वो आसानी से मिला लेंगे। नवाचार सूचकांक की बात किया जाए 2021 के, तो ये करंट का सवाल है, मतलब यूं कह सकते हैं ये करंट के प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम देखें जो तेलंगाना था चौथे पे, कर्नाटक वहां पे पहले पे था, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो था वो दूसरे पे था, तमिलनाडु अगर हम बात करें तो ये तीसरे पे था, और तेलंगाना चौथे पे था। इस हिसाब से सवाल का उत्तर जो होगा आपका ये होगा। हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? सभी लोग जवाब देंगे, जो लोग भी इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। नागालैंड, लद्दाख, महाराष्ट्र और गुजरात, हैदराबाद और कर्नाटक। जी हाँ, एकदम सही जवाब ने दिया है, हैदराबाद और कर्नाटक, अर्थात सवाल का सही उत्तर है आपका डी। अगला सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन करता है? सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे नीचे समय का चक्र भी चल रहा होगा और आप टाइम के आधार पर जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका की बात करें तो जहां से शुरू होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं से कहानी बन जाएगी, और भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है, तो यहां पर ये दोनों तो पूरी तरह से गलत हो गए। अब आपके सामने दो विकल्प आते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर 78, अनुच्छेद 52 से लेकर 66। आप जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए बी और डी में क्या सही है। जी हाँ, यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न, नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कह रहा है कि मिलान करना है कूट को, और सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, भीमबेटका कहां पर है? अगर भीमबेटका की बात करें, बहुत यूनिक सवाल है, और यह आपके मध्य प्रदेश में है, मतलब यह तो सही लाइन मिला हुआ। अगर कुपा गल्लू की बात करें तो यह भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। नहीं, कुपा गल्लू आपका कर्नाटक में है, कुपा गल्लू जो है यह आपके कर्नाटक में है। लाखा जुवार जो है ये आपके, लाखा जुवार जो है आपका, अगर हम यहां पर लाखा जुवार की बात करें तो ये भी आपका एमपी में है। मुराना का पहाड़ ये आपका उत्तर प्रदेश, मतलब एक का एक दो तीन, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर एक का एक दो, हाँ ये बी इसका आपका सही आपका जवाब होगा। माने मुहराना पहाड़ उत्तर प्रदेश, लाखा जुआ मध्य प्रदेश, कुपागल्लू कर्नाटक, भीमबेटका मध्य प्रदेश। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने आपके बोर्ड पर आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके सामने छोटा सा प्रश्न बैंक है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्न में से दिए गए कूट को ध्यान से मिलाना है और सभी को इसका जवाब देना है। धर्मस्थली, कंटक शोधन, प्रदेष्ठा, व्यावहारिक, मतलब चारों को कूट को मिलाना है और ध्यान से मिलाना है, कहीं कोई गलती ना होने पाए। धर्मस्थली जो है आपको शायद पढ़ा होगा, दीवानी न्यायालय, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक बार आप नोट्स अगर पढ़ लेंगे, जो पीडीएफ में भी उपलब्ध है आपके लिए, टेलीग्राम पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं। एक है कंकट शोधन है व्यावहारिक, जो व्यावहारिक था इनका ना, ये दीवानी न्यायाधीश संबंधित है। कंटक शोधन अगर हम बात करें तो ये फौजदारी न्यायालय से था, और आपका बच्चा प्रदेष्ठा तो फौजदारी न्यायाधीश से होगा। अब इसके हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी का पहला, मतलब ये होगा ए। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, यहां पे मिलान करना है आपको, एक तरफ अभ्यारण दिए गए हैं, दूसरी तरफ उस कहां पे स्थित है वो राज्य के बारे में दिया गया है। दचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण, केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण। दचीग्राम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में, केवला देव अगर हम बात करें तो केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण ये राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क अगर हम बात करें
तो आपके मध्य प्रदेश में। पेरियार केरल बहुत ही इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। अब उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस सेशन को लाइव पढ़ रहे होंगे सभी लोग फटाफट इसका जवाब दे लेंगे। अब बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। ए सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, बालकोद्भिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? बताइए एकता जी, इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें बताएं। चट्टानों पर, बजरी तथा रेत में, बेकार सख्त भूमि में, जली परिस्थिति में, सभी सदे जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग टाइम से बने रहिएगा, टाइम तक रहिएगा। बालकोद्भिद की बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बजरी और रेत। प्रश्न को ही ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो शायद इसका कॉन्सेप्ट और इसका उत्तर दोनों आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प की तरफ बढ़े तो विकल्प बी है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रिया, उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। जी हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती, तो ध्यान रहे जब हम सांस लेते हैं। हाँ टीना जी आपका भी सही है, प्रिया जी आपका भी सही है, ठीक है। ध्यान दें, सांस लेते हैं तो जैसे हम सांस छोड़ते हैं, आपने भी सांस छोड़ा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, मतलब ये आपका सही हो गया। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। ज्वालामुखी क्रिया में ऐसी कौन सी गैस निकलती है? कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जड़ पदार्थों का जब अच्छा होता है तब भी वहां पे निकलता है CO2, इसलिए यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा 2 और 3, मतलब 2 और 3 का मतलब यहां पर केवल 2 और 3, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, ठीक है। अगला आपके सामने मिलान करना है, फान, शामून, सेंटायना, जोंडा, ये स्थानीय पौने हैं। जैसे स्थानीय पौन की बात करें, लू, लू कहां पे बहती है? भारत में बहती है। कब बहती है? ग्रीष्म ऋतु में बहती है। किन स्थानों पे? मैदानी क्षेत्रों में। तो आपको भी यहां पे कमेंट सेक्शन में जाना है और जवाब देना है निम्नलिखित स्थानीय पौनों का संबंध क्या। आप नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश को पढ़ेंगे तो उसमें यह एक पॉइंट आपको मिल जाएगा हुबहू। अगर हम फॉन की बात करें तो फॉन जो है अल्पस पर्वत में, सही है। शामून की बात करें तो ये कुर्दिस्तान में है। सेंटायना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, सेंटायना दी कैलिफोर्निया की है। जोंडा जो है वो अर्जेंटीना। तो यहां पर सबको याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा क्षेत्र हो गए, ये स्थानीय पौने हो गए। इस हिसाब से इस प्रश्न का विकल्प जो होगा वो है आपका बी, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लोगों को तो पूछाते रहिएगा। अगला है, काटाजोना प्रोटोकॉल किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है काटाजोना प्रोटोकॉल। इसको मैं अगर समझाना चाहूं तो आप कहें तो मैं इसको अच्छे से समझा भी दूंगा ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होता चले कि काटाजोना प्रोटोकॉल क्या था। दूसरा अगला सवाल है, नोकरेक या मंडली क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। काटाजोना जो प्रोटोकॉल है ना, इसका संबंध सीधा पर्यावरण से, दोनों प्रश्न 14-15 पर्यावरण के ही सवाल है। यहां पर होगा एक जैव सुरक्षा समझौता से, अर्थात सवाल का उत्तर जो होगा आपका वो बी होगा, एकदम सही उत्तर है बी। अगला सवाल जो आपका नोकरेक है ना, वो कहां पर है? जैव मंडली क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, ओडिशा। जी हाँ, मेघालय। एकता जी ने एकदम सही जवाब दिया है सी, मेघालय। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही, ठीक है। सभी लोगों ने एकदम जवाब इसका सही दिया है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, मिलान करना है फिर से। देखिए कूट वाले सवाल आजकल खूब पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो आपको हमेशा ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार भी रहना होगा। शून्य द्रव्यमान, आंशिक आवेग, आंशिक प्रचक्रण, पूर्णांक प्रचक्रण, ये सामान्य विज्ञान के सवाल हैं और हम चाहेंगे सामान्य विज्ञान के सवाल को आपको जरूर बताना है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेग क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन, मतलब ये सही है, पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। अगर आप लोगों ने, जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर भी बताए हैं उन सबके जवाब पूरी तरह से सही थे। हम बढ़ रहे इसी के साथ फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने आपके बोर्ड पर आ रहे हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर,
बीट्रोमीटर से। देखिए टेलीग्राम पर सभी साथी जितने भी लोग हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करिएगा बिना स्पेस के दुर्गेशर। जैसे ही आप दुर्गेशर सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेशर को सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास के लिए उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर, सभी के जवाब यहाँ पे सही। जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है सभी के जवाब इसमें सही है, ठीक है। प्रिया जी ने भी सही दिया है, एकता जी ने भी सही दिया है, उर्वशी जी ने, टीना, सभी के जवाब यहाँ पर सही है। अगला सवाल आपके सामने है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की अगर मात्रा बदल दी जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? भार, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को, इस सेशन को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर वस्तु की मात्रा बदल जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 किलो भूसा या रुई से आप मुझे मारे, फिर 2 किलो से खींच के मारे, 3 किलो से मारे, और मैं आपको 100 ग्राम के जो बाट होता है उससे खींच के मारूं, फिर 1 किलो के बाट से मारूं, फिर 5 किलो बाट से आपके सर पे मारूं, तो क्या होगा? बाट 100 ग्राम का हो, 200 ग्राम का हो, 300 ग्राम का आपका सर फोड़ देगा। रुई 200 ग्राम का हो चाहे 2 किलो का हो, आपका सर नहीं फोड़ेगा। क्यों? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा घनत्व, डेंसिटी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका सही जवाब है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। आप इनकी स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा। अगला है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ पहिया वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये सामान्य विज्ञान फिजिक्स का सवाल है। सभी साथी जवाब दीजिएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ पहियों वाला वाहन में सही कथन आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहां पर है बाहरी पहियों पर उल्टेगा नहीं, अंदर की पहियों पर उल्टेगा सही, बाहर की तरफ फिसलेगा सही, अंदर की तरफ फिसलेगा गलत। तो यहां पर 2 और 3 अर्थात सवाल का सही उत्तर जो होगा वह आपका बी होगा। समझ में आ गया? अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ बढ़ रहे हैं। अगला है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीतकाल में, वसंत ऋतु में। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, शीतकाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहां पर अगला, इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह को अमेजोनिया फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, ब्राजील। यह करंट का सवाल है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। भारतीय मूल के वेवल राम कड़वान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे। जाम्बिया, कीनिया, सोमालिया, सेशेल्स, ये उस समय की करंट है। सेशेल्स। हाल में भारतीय कनाडाई शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण पाए हैं? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नवापाषाण की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये करंट से हिस्ट्री को कैसे जोड़ा गया, यह प्रश्न है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, अच्छा देखिए, आपके सभी लोग घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। एनसीईआरटी के सभी नोट्स हैं, एसएससी, बीओ, यूपीपीसीएस, पीसीएस, सीपी ट्रिपल एस, यूपी टेट, सुपर टेट, आरओ, पुलिस, लोअर पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, सभी नोट्स मिल जाएंगे। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, यहाँ पे एक नंबर है जो आपके काम आ सकता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है कि किस संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित की?
आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आईआईटी गुवाहाटी। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? यह अर्थशास्त्र के सवाल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारी, बाजार में क्रेता, भू राजस्व। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा मांग और पूर्ति। मतलब इस सवाल का सही उत्तर होगा आपका ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया तो जवाब सही है। अगला सवाल है, सार्वजनिक सेक्टर में वे उद्यम निहित होते हैं जिनमें राज्य की कितनी पूंजी होती है? 60%, 80%, 85%, 100%। सभी लोग जवाब दीजिएगा। पूंजी 100% होती है, ठीक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान का गठन हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थानों का गठन हुआ था? यहां पर है पहला IMF, IBRD, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, WTO। इन सबके मुख्यालय आपको याद होने चाहिए, इन सबके मुख्यालय आपको याद होने चाहिए। IMF और IBRD, एक और दो। मैं चाहूंगा आप सभी साथी इन सभी प्रश्नों के जवाब दें। IMF का फुल फॉर्म इसका मुख्यालय, UNO का फुल फॉर्म इसका मुख्यालय, WTO का फुल फॉर्म इसका मुख्यालय, इसका नाम WTO कब हुआ ये भी जवाब दीजिएगा, इसका नाम WTO कब पड़ा, IBRD का फुल फॉर्म, इन सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, यहां से सवाल आ सकते हैं। हम और आगे बढ़ रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी को दिख रहा होगा। कह रहा है कि मिलान करना आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो स्वास्थ्य जो है ना, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य हमारा क्या है, जीवन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो क्या है, आर्थिक वृद्धि है। अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण किसके अंतर्गत आएगा बताइए, ये संपोषित विकास पर्यावरण हो गया। आर्थिक विकास क्या, संरचनात्मक परिवर्तन। इस हिसाब से आप बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। प्रश्न नंबर 29 का सभी साथी जवाब देंगे। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग दीजिए। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, पंतनगर, जामनगर, कानपुर, हैदराबाद। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने बताया, पंतनगर में। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो आपके उत्तर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, सुमेलित करना फिर से आप सभी को। कितना सुमेलित करने वाले सवाल आ रहे हैं ना, आजकल के ट्रेंडिंग वाले सवाल है। मैं ट्रेंडिंग वाले सवाल ही आपके लिए लेकर आता हूं। भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, वल्कनीकरण, पेट्रोलियम, ताम्र, खाद, वसा और रबड़। अगर रबड़ की अगर हम बात करें तो रबड़ का संबंध किससे हो जाएगा, वल्कनीकरण से हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा, प्रगलन की अगर हम बात करें तो ताम्र, भंजन पेट्रोलियम। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, ठीक है। आप सभी का उत्तर भी है, हम और आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। निम्न में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, शीशा, पारा, निकेल, टीन। बताइए सभी लोग फटाफट मन करके। सामान्य ताप पर द्रव है पारा। कौन सा बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। हम चाहेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी जवाब देंगे। कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है। सभी लोग जवाब दीजिए जो लोग इस वीडियो को लाइव पढ़ रहे हैं। एकदम सही जवाब प्रिया जी ने दिया, एकता जी ने दिया है, त्रिवेणी जी का आया है, उर्वशी, रुचि जी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी जवाब दिया है तो आपका उत्तर सही है, लेड।
अगला है, निम्न में से कौन सा बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र सेशन को पढ़ रहे हैं सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे, नाइक्रोम इस सवाल का सही जवाब होगा, डी। अगला सवाल आपके सामने और आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है मिलान करना है, और यहां पर देखिए इसका प्रश्न यहां पर होगा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपोसोडियम थायोसल्फेट सही है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब इसका क्या है, ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, एकदम अपने आप मिला हुआ था, तो आपको यही है, आपको इस सेशन के अगले चैप्टर पे आपको यहां मिला देना है, एक दो तीन सी। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है, 70, 75, 80, 88, लगभग। समझ पा रहे आप लोगों को कि नहीं, हमारा आगे बढ़ रहा है अगले प्रश्न की तरफ। हेल बॉय, हेल बाप का नाम है, हेल बाप नाम है किसका, ग्रह का नाम है, सूर्य का नाम है, सौरमंडल का नाम है, पुच्छल तारे का नाम है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेशा सर्च करके जुड़ सकते हैं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सभी लोग जवाब दीजिएगा। रुचि, त्रिवेणी, उर्वशी, एकता, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, प्रिया, पुच्छल तारा धूम केतु का नाम, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा यहां पे, डी। ठीक, पुच्छल तारा धूम केतु के नाम हेल बाप रखा गया है। अगला आपके सामने, किसी जगह पर स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम जीएमटी 3 बजे प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा हो, स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच का टाइम 3 बजे प्रातः है, तो आप बताइए, जैसे यहां पे 3 बज रहा है, फिर 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 होगा, तो यहां से आते कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 3 घंटे में 45 डिग्री, मतलब यहां पर 45 डिग्री ईस्ट में होगा, कितना डिग्री, 45 डिग्री ईस्ट में होगा। ठीक है, ये टाइम हो गया, यहां पे हो गया 45 डिग्री पूर्व, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, सी होगा। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो यहां पे पूछ सकता है। हम बढ़ते इसी के साथ नए सवाल की तरफ। अगला है, यहां पे कुछ कूट दिया गया, फिर से आपको मिलान करना है, और हम चाहेंगे फिर से आप मिलान करिए, ये भूगोल के कूट है, ग्रह की बात करें तो इसमें ग्रह क्या है, यूरेनस ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा, अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ा है, हेली, कृत्रिम उपग्रह यान मरीनर, तो यहां पर एक का, बी का, दो, सी का, तीन, यहां पर प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसकी स्क्रीनशॉट ली, कुछ लोग को लग रहा है तो बहुत सरल सवाल है, कुछ लग रहा है बहुत कठिन सवाल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे ना, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे ना, आप सिलेक्शन के करीब पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगला है, यहां पे फिर से सुमेलित करना, ये भूगोल के ही सवाल है, माउंट रेनियर, एंटना, परिकुल्टिन, टाल, जो एटना है ये इटली में है, ये तो आपको पता हो गया, माउंट रेनियर यूएसए का है, टॉल जो है ये फिलीपींस में है, फिलीपींस की राजधानी क्या, कमेंट कर बताइएगा, तो परिकुल्टिन जो है मैक्सिको में, मैक्सिको की राजधानी क्या, कमेंट कर बताइए। इस हिसाब से सवाल का उत्तर एक का चार, मतलब यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये। ठीक, हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक, सरल सवाल है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं ना, सभी जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। एकता, रुचि, टीटू, उर्वशी, त्रिवेणी, प्रिया, सभी लोग जवाब दीजिएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है।
जवाब दीजिए, जो लोग लाइव है, जो वीडियो को बाद में पढ़ रहे वो भी जवाब दिया करें। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। टीना, प्रिया, शिवर्षी, देखिए एशिया, इस विकल्प के हिसाब से देखें ना, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। ठीक, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर एक कूट दिया गया है, इस फिर कूट को मिलाना। आज कूट वाले साल खूब कूट कूट के भरे हैं ना, खूब सारे कूट कूट के। जॉब चारनॉक, फ्रांसिस डे, फ्रेंको मार्टिन, गैरोड अंगियार। तो जॉब चारनॉक कलकत्ता का स्थापना किया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो आपके सामने यहां पे दिख रही है। फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना आप सोच सकते हैं ना उतना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंको मार्टिन ये पुदुचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर है। गैरोल्ड अंगियार ये बंबई के संस्थापक है। सभी लोग इसको नोट कर ले, ये नोट्स मिलने पे दुर्गेश के मिल जाएगा, जो आप पीडीएफ में और हॉर्ड कॉपी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, जहां कोई प्रश्न आए तो पूछ लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया यहाँ पे सी। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अपने क्षेत्र के किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नुनू डी कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकुर, कैस्ट्रो। तो सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने भी साथी मित्र सेशन को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अल्फांसो डी अल्बुकुर सी। सी इस प्रश्न का सही जवाब है, अल्फांसो डी अल्बुकुर को मैंने पढ़ाया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। ये एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़कर बताया गया। तो अब सभी लोग जरा कमेंट कर बताएं कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं। ये ऐप ई लर्निंग नोट्स में था पूरा, और मैंने भी पढ़ा वहां पे, शाह आलम द्वितीय, मतलब डी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। रुचि जी, कहां के सपोर्ट के लिए आपने बात किया, जरा कमेंट करके जरा भी बताएं, वैसे वेलकम आपका। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, ये क्रांति जो हुई थी ना, उस क्रांति का कहां कहां से कौन कौन का संबंध है ना, किसका इसका, उसकी यहां पे बात की जा रही है। और हम चाहेंगे इस प्रश्न का जवाब सभी लिख दीजिएगा। लखनऊ से, लखनऊ का सबको याद होगा, लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, एकदम इंपॉर्टेंट। एक कचार, एक कचार कहां पर? यही है, यही से आपको मिल जाएगा। सी का कानपुर अजीमुल्ला, फैजाबाद मौलवी अमाद शाह। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग अपने पास रख लें। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। कौन सा उपग्रंथी उग्रपंथी नहीं था? गरम दल, ऐसे समझिएगा। क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आपके परीक्षा में आते हैं और लोग गलती कर जाते हैं। थैंक यू, डेली आप लोग क्लास में बने रह के समय से लेकर समय तक। तो बाल गंगाधर तिलक जी थे, मदन लाल जी थे, उधम सिंह थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी। एक सवाल मेरा, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। 47 जवाब सभी साथी दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना विडल टैटम। उपरान अवधारणा जैकब मोनेट। यहां पर प्रश्न का उत्तर 1, 2, 3, मतलब फिर से प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका बी। छोटा सवाल है ना आपके सामने,
सभी को लग रहा है तो बहुत छोटा सा सवाल है पुत्र। अगला है, किस सेट के रोग हार्मोन्स के अधिक श्रावण के होते हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। रिकेट्स और मधुमेह, तो रिकेट्स नहीं होगा आपका, घेगा भी नहीं होगा, मंगोलिज्म भी नहीं होगा, तो अग्रित कायता, नेत्रोसेंधि, गलगंड, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका? सेट के रोग हार्मोन्स के अधिक श्रावण से होते हैं। तो ऐसे सवाल अगर आपको नए लगे ना तो स्क्रीनशॉट तुरंत रख लीजिएगा जो भी लोग देख रहे हैं। इनमें कौन सा रक्त दाब का प्रमुख नियंत्रक है? थाइमस, पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन, अधिविक्र ग्रंथिया। जी हां, महात्मा गांधी का राजनीति गुरु अपने एकदम सही जवाब दिया, गोपाल कृष्ण गोखले। तो रक्त दाब का प्रमुख नियंत्रक अधिविक्र ग्रंथियां, एकदम सही जवाब लोगों ने दिया है डी। आज के प्रश्न कम है लेकिन कल से प्रश्न ज्यादा रहेंगे। आप लोग एकदम टाइम से टाइम तक जुड़े रहिएगा और अपने सभी मित्रों को जोड़कर रखिएगा ताकि इस सेशन को अच्छे से हम लोग पढ़ें और अपने सभी साथियों तक पहुंचाते रहें। आज हम लोग केवल 50 प्रश्न ही पढ़ेंगे और आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़े रहें और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करते रहें। सभी लोग, जो भी लोग चैनल पर नया है, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएंगे और नोट संबंधी का जानकारी चाहिए इस नंबर पर जोड़ करके ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं। जी, इस प्रश्न का जवाब सभी को देना है। ईस्ट, कैसीन, एलोवेरा, घटपाणी। तो घटपाणी आप जानते हैं सभी लोग, यह प्रकाश संश्लेषण संबंध हो गया। एलोवेरा क्या है, ईस्ट क्या है, अगर हम ईस्ट की बात करें तो यह क्या है, किण्वन है। दुग्ध प्रोटीन क्या है, दुग्ध प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यह क्या है, कैसीन है। एलोवेरा क्या है, आवृत बीजी है। तो आप चाहे तो इसको मिलान कर सकते हैं और आप इस प्रश्न का उत्तर क्या है वो ही बता सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका, बी हो गया। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर करते रहेगा, क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में। कल की प्रश्न संख्या और ज्यादा होगी, कल आप लोग जुड़े रहिएगा, समय से समय तक रहिएगा और कोशिश करिएगा सभी मित्रों तक पहुंचाते रहेगा। इस साल के टॉप के सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जहां से आपके परीक्षा में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही प्रश्नों के जवाब दिए हैं। कल जितने लोग क्लास में रहेंगे समय यही रहेगा, इसी समय हम आपके साथ लाइव सेशन में रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आप सभी का। शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, ठीक है। सभी लोग, कोई प्रश्न नहीं है ना। थैंक यू सभी का, थैंक यू आप लोग का भी, थैंक यू समय से लेके समय तक बने रहे अंत तक। सभी का थैंक यू। कल से समय से क्लास में रहिएगा आप लोग और समय तक बने रहे, क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता हो गई है, ठीक है। सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।